नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को दोपहर को सीएम राजे को बम से उड़ाने की धमकी वाला फोन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के कंट्रोल रूम में आया। इस फोन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जब नंबर का पता किया गया तो इसकी लोकेशन जोधपुर के ओसिया कस्बे की मिली। जयपुर पुलिस ने जोधपुर पुलिस को सूचना दी और जांच पड़ताल के बाद धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक का नाम महेंद्र राजपूत है और जोधपुर पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिग्गज कन्नड़ अभिनेता M.H. अबरिंश की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी यादगार प्रस्तुति और राजनीति में उनके व्यापक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 66 वर्षीय अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार रात एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। मोदी ने उनके राज्य और केंद्रीय स्तर पर कर्नाटक के कल्याण के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में वर्णित किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रविवार का दिन महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलवर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अलवर की धरती को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। वसुंधरा राजे ने जो काम किया है उसे कांग्रेस चुनौती देकर बताए। जनता हवा का रुख जानती है, राजस्थान की धरती गौरव की धरती कहलाती है। देसूरी में राजस्थान में चुनाव को लेकर चुनावी रंग परवान चढ़ चुका है। वहीं राजनीतिक दलों की प्रचार कैंपेन भी जोर शोर से चल रही है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार उमेश सिंह चंपावत और बोली कांग्रेस के प्रमुख नेता जसवंत राज मेवाड़ा, पूर्व प्रत्याशी रतन जड़वा, देसूरी ब्लॉक अध्यक्ष भैरव सिंह राजपुरोहित सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा किया। आदिवासी भाइयों ने विशाल संख्या में चंपावत मेवाड़ा जड़वा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कल तूफानी दौरे में आदिवासी भाइयों ने पूर्ण समर्थन देने का विश्वास दिया और कुशासन को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया। फुलियाकला उपखंड क्षेत्र के तसवारिया बांसा निवासी सोमाणी परिवार ने स्वर्गीय भामाशाह सूरत राम सोमानी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी याद में उनके पुत्र त्रिलोक चंद्र और रमेश सोमानी ने गांव में कबूतर खाने का निर्माण करवाया। इसे पक्षियों को दाना चुगने में सुविधा होगी। इस अवसर पर धर्मपत्नी शांता सोमानी के घर कमलों द्वारा कबूतर खाने का शुभारंभ किया गया। भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत जटमासी में इन दिनों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के मुख्य रास्ते पर कीचड़ और जल भराव ने कुछ अपना घर इस कदर बना लिया कि वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत सरपंच को लेकर उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। बाड़मेर के पचपदरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा में कांग्रेस के उम्मीदवार मदन प्रजापत के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की चुनावी सभा में बहुत ही कम लोगों की उपस्थिति रही। माली समाज की नाराजगी के चलते माली समाज के नेता और सदस्य को नजारा देखकर अशोक गहलोत ने भी लगभग 4 से 5 मिनट मंच छोड़ दिया। पिछले 2 दिनों से स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव प्रचार कर गहलोत की चुनावी सभा की तैयारियां कर गहलोत की सभा को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की थी। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रविवार को कड़ाके की ठंड रही। कारगिल का तापमान 0 से 9.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लेह कस्बे में तापमान 0 से 6.5 डिग्री नीचे, श्रीनगर में 0.7 डिग्री, पहलगांव में 0 से 2 डिग्री नीचे और गुलमर्ग में 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक गुरुवार तक बनी रह सकती है।
जम्मू क्षेत्र में जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज हुआ। कटरा में 10.3 डिग्री, बटोटे में 7.5 डिग्री, बनिहाल में 4.4 डिग्री और भदरवाह में 3.4 डिग्री दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्वा तहसील में अवैध रूप से भूमि पर कब्जों और आवंटन को लेकर मामले बहुत तेजी से चल रहे हैं। आपको बता दें कि हिलोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत अहेसा में विगत वर्षों पहले लगभग 300 लोगों को भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें अधिकतर अपात्र लोगों को ही चयनित किया गया था। वहीं हाल ही में पुनः भूमि आवंटित हेतु 200 से अधिक लोगों के नाम की सूची तहसील में भेजी गई है, जिसमें भी ग्राम प्रधान हुआ शंकर के द्वारा अधिकतर अपात्रों के ही नाम सम्मिलित कराए गए। उक्त मामले को लेकर 22 नवंबर को अहेसा गांव के लोगों ने SDM पुरुआ के नामे नायब तहसीलदार DM श्रीवास्तव को लिखित शिकायत पत्र दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत उमा शंकर पर पैसा लेकर अपात्र लोगों को भूमि आवंटन कराए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की है। इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अपात्रों के नाम काटे जाए और पात्र लोगों को ही चयनित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक तहसील से कोई भी विभागीय अधिकारी अहेसा गांव देखने तक नहीं गया, जिसे शिकायतकर्ता काफी नाराज है। भीनमान में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी प्रत्याशी गांव में जनसभाएं कर जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी पूरा राम चौधरी आज दर्जनों भर गांवों का दौरा किया। चौधरी को गांवों में समर्थन मिल रहा है, वहीं जगह जगह फूलमालाओं से ग्रामीणों द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी पूरा राम चौधरी के साथ भीनमाल पंचायत समिति प्रधान दुखाराम राजपुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष सांवला राम देवासी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष हाजी तैयब बागवान, भाजयुमो जिला अध्यक्ष हिंगलाज दान चारण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बोली में बावनवास विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े सियासी घराने से हुई कांग्रेस की बगावत ने सारे समीकरण गड़बड़ा कर रखती है। कांग्रेस से पूर्व में विधायक रहे नवल किशोर मीना ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक कर कांग्रेस खेमे में हलचल पैदा कर दी है। मीना आज क्षेत्र में जस्टाना कोडियाई सहित दर्जन भर गांवों के दौरे पर रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मीना ने बोली में कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मीना ने कहा कि समर्थकों के दबाव के कारण वे मैदान में उतरे हैं, साथ ही केवल विकास के मुद्दों को लेकर वे राजनीति आए हैं। बुलंदशहर के थाना अगोता पुलिस की ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़ रहे दो बदमाशों से किसोली के जंगलों में मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश इमरान गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, अवैध असलहा, कारतूस और दुकान तोड़ने के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह 5 बजे दो बदमाश अगोता मेन रोड पर ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पुलिस गश्त के पहुंचने पर दोनों बदमाश मोटरसाइकिल लेकर कसोली के जंगलों की तरफ भाग गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। बीच बचाव के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, वहीं पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश इमरान गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा बदमाश सरफराज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि इमरान शातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराधों के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना अंतर्गत पोसालनिया पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, पर अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की कतार लगते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही सुमेरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष की नसबंदी की गई। नसबंदी शिविर में सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में 32 महिला और एक पुरुष की नसबंदी की गई। शिविर के पश्चात ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के विकास में बाधक है। इससे देश में अराजकता तो फैल ही रही है, अपितु रोजगार जैसी भयानक समस्या भी बढ़ती जा रही है। देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु आमजन को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा, जिससे खुशहाल और संपन्न परिवार की अवधारणा साकार हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक ये आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सतमी।